राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तो साथियों, आप लोगों को शहर के हालात पता है और हमारी एक मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के वजह से मीटिंग को हमने मुलतवी किया है। मैं तमाम ही हमारे से मोहब्बत करने वाले, हमसे हमको चाहने वाले, हमारी पार्टी को चाहने वाले, मैं तमाम ही हमारे कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारान से और शहर के आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग इत्मीनान रखें। बकरीद के बाद हमारी मीटिंग भी होगी और हमको शेख रसीद साहब ने यह सिखा कर गए हैं कि संघर्ष करना, पार्लियामेंट के अंदर आपने संघर्ष किया, असेंबली के अंदर आप संघर्ष करते हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए संघर्ष करते हैं और आने वाले असेंबली के लिए हम लोगों को आज से, अभी से तैयारी से जुटना है और हौसले के साथ बकरीद के बाद इंशाअल्लाह मैं तमाम ही लोगों को याद करूंगा। एक बड़ी मीटिंग हम लोग लेंगे और उसी दिन से शहर के हालात पर भी उसी वक्त मैं अपनी बात को रखूंगा। जो मुखालफिन को बोलना है वो बोले, आज मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन बकरीद के बाद मीटिंग के अंदर तमाम ही बातों का मैं जवाब भी दूंगा और हमको उसी दिन से आने वाले मिशन यानी असेंबली के इलेक्शन की तैयारी से जुटना है और लड़ना है और जीतना है। मुझे उम्मीद है कि कल भी आप हमारे साथ थे, आज भी आप हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह कल भी आप हमारे साथ रहेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे।